नमस्कार माझे सर्व रसिक प्रेक्षक। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद सिंघम फेम एक्टर सयाजी शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्टर की पिछले कई दिनों से तबीयत खराब थी, वो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और उन्हें 11 अप्रैल को सतारा के प्रतिभा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर अब एक्टर की तबीयत कैसी है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद सयाजी शिंदे की एंजियोप्लास्टी कराई गई है। दरअसल सयाजी शिंदे ने हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद फैंस को अपना हेल्थ अपडेट दिया है। एक्टर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैं ठीक हो रहा हूं। जितने भी फैंस मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ हैं, उनको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्द ही ठीक होकर आपको एंटरटेन करने के लिए ज़रूर आऊँगा, धन्यवाद। रिपोर्ट्स की माने तो सयाजी शिंदे के हार्ट को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनियों में 99% ब्लॉकेज है, जिसके बाद डॉक्टर्स को उनकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। अब उनकी हालत काफ़ी स्थिर बताई जा रही है। वीडियो को देखते ही एक्टर के फैंस ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए। सुनील ग्रोवर ने लिखा, विशिंग यू हेल्थ एंड क्विक रिकवरी सर। वहीं सीमा शिंदे पाटिल नाम के यूज़र ने लिखा, टेक केयर दादा, यू आर स्ट्रॉन्ग मैन। वैसे आपको बता दें कि जब सयाजी शिंदे ने सीने में दर्द की शिकायत की तो उनका परिवार उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने तुरंत उनका इलाज किया। फिलहाल एक्टर ठीक है और डॉक्टर ने सलाह दी है कि अगले 2 दिनों में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार माझे सर्व रसिक प्रेक्षक, हितचिंतक, ज्यांच्या मला खूप शुभेच्छा असतात त्या सगळ्यांना एक सांगायचं आहे मला। माझी तब्येत चांगली आहे, प्रिकॉशनरी म्हणून मी चेक केलं होतं, त्यात एक ब्लॉकेज होतं, ती इझिली निघालं। म्हणजे पुढे कधीतरी अटॅक येऊ शकला असता अशी ती होती, पण ती आता पुढे काही होणार नाही। 10 वर्ष मी खूप चांगलं काम करणार आहे आणि आपल्या सेवेत परत येणार आहे। गमती चमती इंस्टाग्रामला असेल, युट्यूबला असेल, सगळं करू, काळजी करू नका। आणि सगळ्या बातम्या ज्या ऐकताय तुम्ही त्या सगळ्या तशाच तशा नाहीत, पण मी चांगला आहे, आनंदित आहे। तर तुम्हाला शुभेच्छा आणि तुमच्या शुभेच्छांबद्दल धन्यवाद।